का एक से डेढ़ लाख तक का उनका खर्चा होता है ना प्रिंट शूट कोई सीरियल में उनको देखोगे कोई काम करते देखोगे बट दैट आप समझ रहे हो ये पैसा आता कहाँ से होगा हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल तो ना एक चीज से मैं थोड़ा सा कंसर्न थी और uh, मुझे लगा ना आपसे शेयर करना चाहिए वो बात तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और बहुत अच्छे सुनना बहुत ध्यान से एक एक चीज़ मायने रखती है एक एक चीज़ अब सोच के ही मतलब आगे बताऊंगी कि वो चीज़ क्या है येस्टर्डे आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड एंड शी सेट सो मेनी थिंग्स मतलब अबाउट ना इंडस्ट्री एंड ऑल एंड मेरे ज़्यादातर ना फ्रेंड्स जो है ना वो ज़्यादातर इंडस्ट्री से है मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री से तो मुझे पता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में मे चीज़ें क्या होती है आप लड़की होते हो ना तो आपको कितना सारे चीज़ों का आपको मतलब वो करना पड़ता है मतलब सामना करना पड़ता है ठीक है ऑनेस्टली मैं बताओ आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दैट लाइक टच हु मैंने कभी वो सब चीज़ें फेस नहीं करा ठीक है एक दो बार थोड़ा हल्का हल्का सा फील हुआ कि हाँ भाई यहाँ पे तो बहुत चीज़ें अलग चल रही है तो मैं कट लेती थी ठीक है क्योंकि मुझे ना पता नहीं वो स्मेल आता मेरा सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा शार्प है बहुत ज़्यादा यू गाइस कॉन्ट बिलीव फिर इतनी ज़्यादा शार्प है मेरी सेंस मेरे को ना स्मेल आ जाता है ठीक है अगर समवन ठीक है मेरे सामने और वो इंसान मेरे से अगर ना थोड़ा सा तो मैंने एक स्मेल आ जाता है कौन मेरा ट्रू फ्रेंड है कौन फेक है कौन मेरे बुरे टाइम पे साथ देगा बुरे टाइम पे मतलब फाइनेंशियल बुरा टाइम नहीं बोल रही हूँ मैं बुरा टाइम मतलब अगर आपको मेंटल पीस की ज़रूरत है अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके उस टाइम पर भी आपका सपोर्ट करेगा है ना वैसे फ्रेंड्स होती है ठीक है सुख के टाइम पर तो सब आ जाते हैं ना पार्टियाँ करने दारू पीने ये करने वो करने सब आ जाते हैं ठीक है बट अगर आप बुरे टाइम पे होते हो ना जो आपके साथ खड़ा रहता है ठीक है जो आपके हर एक चीज़ आपको सुनता है समझता है ऐसा नहीं है आपको भी सपोर्ट करना चाहिए आप अकेले आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो आप प्यार दोगे तो प्यार मिलाएगा मिलेगा मिलाएगा क्या बोल रही हूँ मैं ठीक है नेवर माइंड मतलब मैं ना बहुत ही ज़्यादा अनलकी रही हूँ इन मामले में ठीक है मतलब मैंने ना हमेशा प्यार दिया ही है प्यार मिला नहीं मुझे रिटर्न ठीक है इन केस ऑफ फ्रेंडशिप मैं बता रही हूँ और बाकी सब तो थोड़ा सा पर्सनल है मैं नहीं बता सकती अगर मेरी यूट्यूब फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब मैं और भी अपने पर्सनल लाइफ थोड़ा सा खोल के रखूँगी आपके सामने अभी तक के लिए इतना ही ठीक है जितने भी फ्रेंड्स मिले हैं ना मैंने हमेशा साथ दिया है ठीक है और ऐसा नहीं है मेरे को मेरी लाइफ में मतलब गिनती के मतलब है दो चार बहुत ही अच्छे हैं दे आर वेरी सपोर्टिव वेरी नाइस इवन मुंबई में भी मतलब है दो चार बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे बाकी तो आपको समझ ही लो कैसे होंगे ठीक है मैंने ही हमेशा उनके लिए किया मेरे को कुछ नहीं मिला ठीक है और इसलिए मैं फेडअप हो गई और लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ और मैं अकेले ही रहती हूँ बट अकेले भी नहीं रहना चाहिए वो भी है बट ठीक है मैंने कोई ना कोई वे ढूंढ ही लेती हूँ अपने आप को एंटरटेन रखने के लिए और मैं खुद इतनी एंटरटेनिंग हूँ मैं अपने आप को भी खुद ही एंटरटेन कर लेती हूँ <laughs> कुछ लड़कियाँ ना ये सोच के आ जाती है हम मुंबई जाएंगे जाने के बाद ना हमारे लिए तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं हम जाते ही तो हमें लाइक लाखों के लाखों के करोड़ों के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे और हम हमारी तो लाइफ सेट हो जाएगी बॉस इतना ईजी नहीं है आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है रियलिटी बहुत ज़्यादा अलग है ठीक है क्योंकि मेरे को हो गए यहाँ पे दस साल ठीक है मुझे पता है यहाँ का लाइफ क्या है और मेरे मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ना इस लाइन पे ही है ठीक है इसी लाइन से ही वो बिलोंग करते हैं और मोस्ट ऑफ देम आर लाइक एक्ट्रेस या फिर टीवी में मतलब सॉरी टीवी में दे आर वर्किंग या फिर आ, सिंगिंग में या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ों में ठीक है तो मुझे पता है कि किस चीज़ से वो लोग गुजरते हैं और क्या क्या चीज़ें उनको फेस करना पड़ता है और बहुत लोग तो छोड़ देते हैं छोड़ के भाग जाते हैं और क्या होता है ना मतलब जो आउट ऑफ मुंबई के बारे में बात कर रही हूँ मैं मुंबई के तो लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट इनफ होते हैं उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है दे नो हाउ टू हैंडल थिंग्स है ना बट जो आउट ऑफ मुंबई से जो लोग आते हैं ठीक है थीके? वो पता नहीं क्या माइंडसेट लेके आते हैं क्या सोचते हैं भाई हमारे लिए तो सब बैठे हुए हैं हम जाएंगे और हमें तो काम मिलना चालू हो जाएगा क्योंकि हम खूबसूरत हैं हमें तो सब चीज़ें आता है ऐसा अगर होता ना तो हर कोई ना यहाँ पे आके ना स्टार बन जाता कैटरीना कैफ बन जाती ऐसा नहीं है ठीक है कि हर लड़कियाँ सुंदर होती ऐसा नहीं है ठीक है और यहाँ पर ना आप महाड़ा बोल के जगह है ठीक है लोखंड वाला है वहाँ पर ना हर एक दूसरा तीसरा फेस आप देखोगे ना बोलोगे कि एक्ट्रेस फेल है उनके सामने नेचुरली इतनी प्रिटी होती है लड़कियां इतनी खूबसूरत होती है ना देखने में और उनके सर से लेके पैर तक उनके कपड़े देखोगे so, so, so तो ऐसा होता ना तो हर साड़ी जो लड़कियां यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है ना वो ना मतलब स्ट्रगल नहीं कर रही होती ठीक है देखो मेरे हिसाब से ना अगर आ रहे हो ना यहाँ पे तो एक माइंड सेट लेके आओ ठीक है माइंडसेट मतलब कैसा मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ना प्रिपेयर होके आना है ठीक है अगर आने का सोच ही लिया ये वीडियो उनके लिए है जो आने का सोच रहे हैं या फिर उनको लाइफ में कुछ करना ही करना है ठीक है भले मैं ये नहीं बोल रही कल एक्टिंग लाइफ की बात मैं नहीं कर रही हर एक फील्ड में ना स्ट्रगल होती है ठीक है भले आप मेरा जो एडिटिंग वाला लाइफ है उस पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है ठीक है मैंने बहुत सारा लाइक शोज़ किए हैं ठीक है थीके? बड़े बड़े शोज़ जैसे मैंने बिग बॉस किए हैं खतरों के, है, के खिलाड़ी मास्टर शेफ़ और भी बहुत सारे कलर्स के बहुत सारे शोज किए मैंने जी टी वी इवन जी टी वी चैनल में ही जॉब भी करा है ठीक है और भी और भी बहुत सारे चैनल्स में लाइक बहुत सारे एक्सपीरियंस है मुझे तो मुझे पता है जितना मैंने देखा है ना इस इंडस्ट्री में इस करियर में उसके बिहाफ पे मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ कि हाउ डिफिकल्ट इज दैट ठीक है और डिफिकल्ट होने के साथ साथ ना मतलब आपको ऐसे ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है ना यू कैन नॉट इवन इमेजिन ठीक है मेरे फ्रेंड ने ना ऐसे ऐसे चीज़ें मतलब बताई हुई है कि जो बड़े बड़े लेवल में जाके चीज़ें होती क्या है वो चलो वो तो अलग टॉपिक है बट न्यू कमर होंगे ना मैं उनको स्पेशली ये बताना चाहती हूँ मेरे दिल से मतलब अगर आप आओ ना तो ब्रो पैसा लेके आना ठीक है क्योंकि देखो काम तो देखो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है ठीक है सर्वाइवल के लिए ठीक है और बात रही आ, कॉन्टैक्ट्स की वो तो धीरे धीरे बनते कोई आपको यहाँ पे काम नहीं दिलाएगा और अगर आपको कोई बोलता है ना कि भाई चलो मेरे साथ मुंबई या फिर मुंबई में तो मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं तुमको मैं दिला दूंगा काम ये वो तुम तो एक्ट्रेस बन ही जाओगी ये तो भाई बहुत बड़ा झूठ है बहुत बड़ा एक फ्रॉड है ठीक है ये चीज़ कभी नहीं होता है कभी नहीं होता है ये चीज़ अगर कोई बोलता है ना समझ लो वो इंसान बहुत बड़ा फ्रॉड है बहुत बड़ा कमीना आदमी है ठीक है ऐसे नहीं होता है यहाँ पर काम यहाँ पे धीरे धीरे कॉन्टैक्ट बनते हैं एक्चुअली क्या है ना बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे टैलेंटेड भी है बट उनको चांस नहीं मिलता है उनको कुछ मिलता नहीं है वो हार जाते कोई कोई सुसाइड कर लेते हैं कोई कोई लाइफ में इतना गलत रास्तों में चले जाते हैं ना मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मतलब मैं जानती भी हूँ ऐसे एक दो लड़कियों को कैसे मैं फ्रेंड के थ्रू मिली थी ठीक है मैं नाम नहीं लूँगी उनकी लाइफ स्टाइल आप देखोगे ना बोलोगे कोई सेलिब्रिटी की लाइफ ठीक है उनका जो घर का रेंट है ना साठ सत्तर एक लाख के आसपास पचास हज़ार की पकड़ लो इतना तक उनका घर का रेंट है हर मंथ पर मंथ की बात कर रही हूँ मैं ठीक है और खाना पीना भी वो भी सब ब्रांडेड चीज़ है ठीक है कपड़े भी मतलब दे विल वेयर ओनली ब्रांडेड ठीक है और उसके बाद फिर जो उनके पर्सनल जो खर्चा होता है सर से लेके पैर तक ठीक है आपके नेल्स भी आप वहाँ पे जाके आप कराते हो ठीक है हर एक चीज़ की बात कर रही हो उनका एक से डेढ़ लाख तक का उनका खर्चा होता है ठीक है और दे आर नॉट डूइंग एनी शूट ना प्रिंट शूट ना ही आ, कोई सीरियल में उनको देखोगे ना ही कोई मतलब कोई काम करते देखोगे बट दे आर लाइफ स्टाइल इज लाइक दैट आप समझ रहे हो ये पैसा आता कहाँ से होगा ऑफकोर्स ना कुछ गलती चीज़ होगी है ना हो मतलब इतने सारे चीज़ें होते हैं ना मतलब मैं बता रही ना मैं पर्सनली मैंने देखी हुए ऐसे लोग को तो भाई वो पैसा आ कहाँ से रहा है घर से भी नहीं दे रहे हो क्योंकि घर की हालत तो ऑलरेडी ख़राब है उनकी और कोई ज़्यादातर लोग तो भाग के ही आते हैं और ऐसा नहीं है कोई कोई फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं ठीक है एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड जैसे मैंने बताया आपको ठीक है मतलब हर कोई ऐसा नहीं रहता है कि मतलब गलत काम करके वो पैसे कोई कोई घर वाले भी बहुत ज़्यादा रिच होते हैं दे देते पैसे कि चलो भाई चलो स्ट्रगल कर रहा है ठीक है बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं बट ये ना हज़ार में दो केस होंगे ऐसे ठीक है जो फैमिली सपोर्टिव होती है क्योंकि उनको भी पता होता है भाई फैमिली कभी गलत नहीं होती है फैमिली हमेशा सही होती है उनको पता होता है उन्होंने दुनिया देखी हुई है उनकी जो उम्र है ना ये ऐसी नहीं हुई है उन्होंने दुनिया देख के सब समझा उन्होंने ऑब्जर्व किया वो लोग ने तभी जाके चीज़ें बताते हैं अभी तक मैंने आपको बता दिए है कि ये सब चीज़ें होते हैं ठीक है ठीके? बट आपको करना किस तरीके से है यहाँ पे अगर आते हो क्या माइंडसेट लेके आना है